All right, here's some big news coming in. Amit Shah, yet again, the Home Minister wades into the language war. Amit Shah says, and I quote, research education in local language. Teachers must talk to students in mother tongue. Keep every language alive. Don't impose other languages. And mother tongue must be kept alive. These are words of Amit Shah. In fact, he yet again wades into this language war. There's been a lot of talk on Hindi being pushed as language for communication, and Amit Shah there saying that all languages are equal. We must focus on mother tongue. Research education in local languages must be carried out. Teachers must speak to students in their mother tongue. Keep every language alive. Don't impose other languages, and ensure that mother tongue is kept alive. Amit Shah speaking. Listen in. हम भारतीयों ने तय कर लेना चाहिए इस देश में जितनी भी बोलियां और भाषा है एक को भी मरने नहीं देंगे. मैं किसी भी भाषा को सीखने का विरोधी नहीं हुआ. फ्रेंच सीखिए, रशियन सीखिए, जर्मन सीखिए, इंग्लिश सीखिए, कोई तकलीफ नहीं है, मगर अपनी भाषा को मत छोड़िए. इस बात को मैं बच्चों को जरूर कहना चाहता हूं. और हमारे देश में दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से अंग्रेजी की जानकारी को बुद्धि की क्षमता के साथ जोड़ दिया गया है. बच्चों, भाषा ये अभिव्यक्ति है, भाषा क्षमता का परिचायक नहीं है. क्षमता आपकी अपनी है, इसकी अभिव्यक्ति कोई भाषा करता है. और भाषा की यह लघुता ग्रंथि के आप बाहर आ जाइए, कोई इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मत पालिए. आपके अंदर क्षमता है तो दुनिया को आपको सुनना ही पड़ेगा, चाहे आप अपनी भाषा में बोले या किसी भी भाषा में बोले. अगर क्षमता नहीं है तो नहीं सुनना पड़ेगा. और क्षमता को बढ़ाना है तो आपकी सोचने की प्रक्रिया, आपकी चिंतन की प्रक्रिया, आपकी निर्णय पर कंक्लूजन पर पहुंचने की प्रक्रिया, आपकी विश्लेषण और एनालिसिस की प्रक्रिया, ये आपके मन में आपकी अपनी भाषा में है. उस पर आप दूसरी भाषा जब थोपते हो तो ये चारों प्रक्रिया को आप वनथर्ड कर देते हो. मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपनी भाषा से कन्नी कभी मत करिए. और मैं अभिभावकों को भी कहना चाहता हूं कि बच्चों के साथ अपनी मातृभाषा में बात करिए. मातृभाषा को जिंदा रखना पड़ेगा, मातृभाषा को आगे बढ़ाना पड़ेगा. और भाषा के कारण इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का जो बात है, जो एक माहौल खड़ा हुआ है, इसको तोड़ने की जिम्मेदारी मेरे सामने बैठे हुए युवाओं की है. अगर हम मान लेते हैं कि जिनको अंग्रेजी अच्छी आती है ऐसे लोग ही देश के विकास में योगदान कर सकते हैं, तो हम देश की आबादी के 5% लोगों को ही देश के विकास से जोड़ते हैं. अपनी भाषा में सोचने वाला बच्चा, अपनी भाषा में लिखने वाला बच्चा, अपनी भाषा में बोलने वाला बच्चा, अपनी भाषा में रिसर्च एंड डेवलपमेंट अनुसंधान करने वाला बच्चा अगर देश की विकास की प्रक्रिया में नहीं जुड़ता है तो हम 95% बच्चों को देश की विकास की प्रक्रिया से काट देते हैं, सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर दो हिस्से कर देते हैं. और मैं मानता हूं भारत जैसे बहुभाषा वाले देश में ये नहीं करना चाहिए. भाषा से हम हमारी संस्कृति को जानते हैं, हमारे साहित्य को जानते हैं, हमारे इतिहास को जानते हैं, और हमारी सोचने की प्रक्रिया को ज्यादा प्रबल और प्रखर बनाते हैं. Alright, let me quickly cut across to our reporter, जितेंद्र बहादुर. जितेंद्र जी, यहाँ पर अमित शाह जो कह रहे हैं सारी लैंग्वेजेस को एक इक्वल तरीके से देखा जाए और मदर टंग को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए, ये उन्होंने क्यों कहा? देखिए नबीला, जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर बोल रहे थे, सरदार पटेल विद्यालय जो कि दिल्ली में है और एक महत्वपूर्ण विद्यालय है, यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं उनको संबोधित कर रहे थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह. और इस दौरान उन्होंने कहा कि जो हमारी मातृभाषा है उसको ज्यादा से ज्यादा जो हमारे युवा हैं उसका प्रयोग करें, क्योंकि उनका कहना ये था कि इससे जो आगे उनको रोजगार मिलना है. उन्होंने ये भी बात कही कि चाहे वो टेक्निकल एजुकेशन हो या फिर दूसरे पढ़ाई के माध्यम हो, उसमें जो लैंग्वेज का इस्तेमाल है वो अपनी मातृभाषा में होना चाहिए.